अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस के दौरान जिस तरह से बच्चों ने घर पे अपना वक्त बिताया है, ऐसे में अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हिंदी अध्यापक आलोक रंजन जी, जो बताएंगे इस विषय पर विस्तार से और बच्चों को कुछ अच्छे टिप्स देंगे जिससे वे अपने आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्तमान समय बड़ा ही अलग सा हो चला है, परीक्षाओं का समय आ गया है और परीक्षाओं के समय में सबसे बड़ी चीज़ जो है वह है कि हमारे विद्यार्थियों को यह समझना कि अंक उतने महत्वपूर्ण कभी नहीं होते। अंक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हमने जो सीखा है, हमने जो अब तक सीखा है, उसी सीखे हुए पर ध्यान केंद्रित करना बेहद ज़रूरी है। नई चीज़ें सीखने से बचना चाहिए। और अगली बात हम आगे बढ़ें तो उसमें यह है कि तैयारी के लिए हमें बुलेट पॉइंट्स बनाने होंगे, नोट कार्ड्स बनाने होंगे, छोटे छोटे कार्ड पर हमें हर चैप्टर से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बातें लिखनी चाहिए और एक बार शाम को दोहराना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप उनको दोहराएंगे नहीं तब तक वे चीज़ें आपके साथ बनी नहीं रह सकती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसके लिए हमें अपने अध्यापक से मदद लेनी चाहिए और अपने मित्रों से मदद लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ाएंगी। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है कि परीक्षा के लिए अपने स्वास्थ्य की कभी भी अनदेखी ना करें। परीक्षा के परिणाम तो देखिए जैसे तैसे आते ही रहते हैं और उसके पीछे अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। ठीक है, माना कि आपको 5% कम अंक आएंगे, लेकिन इससे जीवन वहीं समाप्त नहीं होता। जीवन के बहुत सारे दरवाजे उसके बाद आपके लिए और खुलते हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, जो कि आखिरी बात होगी, कि देखिए ये जो हमारा पेंडेमिक का काल था या काल है, इसने हमारे जीवन के बहुत सारे हिस्सों को प्रभावित किया। इन हिस्सों में शिक्षा सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें हमें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इतनी तैयारी कम करी, हमने कम पढ़ा, इससे हमारी परीक्षा ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, हमें जितना आता है हमें उसका प्रदर्शन करना है, बाकी उसकी जांच होगी। लेकिन इससे हतोत्साहित होने की कतई आवश्यकता नहीं है और हमारे परीक्षक, हमारे प्रश्न पत्र बनाने वाले सब इस बात को समझते हैं कि हम लोगों ने इस बार अलग तरह से पढ़ाई की है। तो इस बार जिस तरह से आपने पढ़ाई की है उसी तरह से जांच भी होने वाली है। ठीक है, तो इन सारी बातों से के साथ मैं कहना चाहूँगा कि परीक्षा का कोई भय ना रखें, पहली बात। दूसरी बात कि जीवन में परीक्षा के अंक ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं होते। तीसरे, चीज़ों को दोहराने के लिए छोटे छोटे कार्ड्स का प्रयोग करें। और चौथा, अपने स्वास्थ्य के बदले कभी भी परीक्षा के परिणाम पर ध्यान न दें। स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है।